नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की एक और नई परियोजना में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कि नवसारी के दोनों साइड में यानी कि मुंबई की साइड में और सूरत की साइड में दोनों जगह पर कैंटिलीवर ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इन दोनों के दोनों क्रॉसिंग ब्रिज पर कितना कुछ हमें काम देखने को मिलने वाला है और इसके बीच का भी हम पूरा का पूरा हिस्सा कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं आप सभी का बिना वक्त बगाए। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो लाते रहते हैं। तो अभी आप जो जगह देख रहे हैं दोस्तों, ये नवसारी से मुंबई की साइड का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंटिलीवर ब्रिज का निर्माण कार्य इस वक्त जोरों शोरों में किया जा रहा है और यहाँ पर हम स्टार्टिंग से लगभग 4-5 बार वीडियो आपको बना के दिखा चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा खासा काम देखने को मिल पा रहा है। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे की तरफ, नॉन स्टॉप आपको अपडेट दिखाते हैं दोस्तों। इस हिस्से में अगर काम की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो वाइडेड का पूरा काम कंप्लीट देखने को मिल पा रहा है। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो ट्रायल रन किया जाएगा जो कि विलीमोरा और सूरत के बीच में किया जाएगा, जो कि ये नवसारी बीच का हिस्सा है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज कि यहाँ पर जो ट्रैक स्लैब बिछाया जाएगा, जो जे ट्रैक स्लैब यहाँ पर जो जापान की कंपनी द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर आप जो टेक्निक देखेंगे तो शिंकानसेन टेक्नोलॉजी की यहाँ पर जो बुलेट ट्रेन दौड़ेगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर जो पटरियाँ बिछाई जाएंगी उसका आपको यहाँ पर ट्रैक स्लैब का काम अच्छा खासा देखने को इस वक्त मिल रहा है। दोस्तों इसके ऊपर ही जो है इसका स्लैब का काम जो कंप्लीट कर लिया गया है और इसके ऊपर जल्दी आपको पटरियों का भी काम स्टार्ट होता हुआ हम दिखाएंगे जब इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा जोरों शोरों में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा होगा इसके ऊपर ही दोस्तों पटरियाँ बिछाई जाएंगी। इस हिस्से में आपको जगह जगह पर वर्कर काम करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये हिस्सा सबसे पहले इनको कंप्लीट करना है, क्योंकि आप सभी को बुलेट ट्रेन का लुत्फ़ उठाने को मिलेगा बहुत जल्दी हमारे भारत में। फाइनली 2027 में मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, जो ट्रायल रन होगा वो 2026 में होगा। और इस हिस्से में आपको काम की बात करूं तो यहाँ पर नीचे से आप देखें आपको पूरा का पूरा वाइडेड का भी आपको काम यहाँ पर कंप्लीट नीचे से भी देखने को मिल पा रहा होगा। और हम सेक्शन C4 का अपडेट देख रहे हैं जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर से स्टार्टअप होता है। ये 237 किलोमीटर लंबा पैकेज है और ये वलसाड से शुरू होता है और वडोदरा को कनेक्ट करता है यह पैकेज सेक्शन C4। तो ये पूर्णा रिवर है, वैसे तो हमने इसका अपडेट कम से कम 4-5 बार दिया है, लेकिन ड्रोन से हम इसका अपडेट आज पहली बार देख रहे हैं जो कि यहाँ पर आपको कम्प्लीटली काम देखने को मिल पा रहा है। वैसे हमने स्टार्टिंग किया था NH-48 से नवसारी के मुंबई की सेक्शन से और आज हम डाविल विलेज तक का अपडेट देखेंगे। तकरीबन ये 14 किलोमीटर तक का अपडेट हम आज हम कवर कर रहे हैं इसमें मुंबई अहमदाबाद बुलेटिन की परियोजना में। और इस जगह पर भी आपको
ट्रैक स्लैब का काम अभी कम नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर नॉइज़ वेरियर जो है वो लगा दिए गए हैं। सिटी के अंदर तकरीबन 3 मीटर तक के नॉइज़ वेरियर यूज किए जाएंगे, और जब ये जंगलों से होकर गुजरेगी तो वहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 मीटर तक के नॉइज़ वेरियर यूज किए जाएंगे, क्योंकि किसी भी यहाँ पर नॉन स्टॉप काम वालों को डिस्टर्ब ना करते हुए नॉन स्टॉप यहाँ पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, तो लोगों को शोर शराबे से राहत मिलने वाली है। यह है NH-48, यहाँ पर कैंटिलीवर ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक NH-48 क्रॉसिंग करेगा जिसकी गैपिंग होती है तकरीबन 60 मीटर की गैपिंग है। वैसे गडर्स होता है वो 40 मीटर की गैपिंग में बनाया जाता है, और यहाँ पर पिलर के ऊपर ही इस ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कैंटिलीवर ब्रिज का इस वक्त काम जोरों शोरों में किया जा रहा है। हम आज इसका ड्रोन व्यू पहली बार देख रहे हैं, और हमने यहाँ पर आपको मोबाइल से तो लगभग नीचे से कई बार अपडेट दिया हुआ है। तो इस वक्त इस तरफ जा रहा है ये सूरत की साइड में, जो कि आपको पूरी तरीके से यहाँ पर वायडेक्ट का काम आपको कंप्लीट देखने को मिल पा रहा है। यहाँ पर अभी ट्रैक स्लैब का काम भी इस जगह पर स्टार्ट हो जाएगा जोरों शोरों में, लेकिन यहाँ पर स्लैब का काम स्टार्ट तो कर दिया गया है। हम ये अपडेट आज कई महीनों के बाद देखने के लिए आए, तकरीबन हम 4 महीनों के बाद यहाँ का अपडेट आपको दे पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जगह जगह पर आपको मार्किंग देखने को मिलेगी, जहाँ पर एक पैर की जो गैपिंग होती है 40 मीटर की होती है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा होगा जो कि स्लैब का काम इस जगह पर कंप्लीट कर लिया गया है। जल्दी यहाँ पर आपको पटरियों का काम स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। और इस तरफ यहाँ पर ये कास्टिंग यार्ड था इसका, लेकिन यहाँ पर कास्टिंग यार्ड का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अभी जो इसके ऊपर जो पटरियाँ डाली जाएंगी, उस पटरियों का मटेरियल लाया हुआ है गाइस, देख सकते हैं आपको यहाँ पर स्लैब का काम अच्छा खासा इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है। पर आपको सीधा सूरत की तरफ जाता हुआ दिखेगा, इसके आगे आएगी मिंदोला रिवर। और फाइनली हम अभी जो है डावेली विलेज के पास पहुंच चुके हैं, तकरीबन यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। और यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं जो कि काम आपको कम्प्लीट यहाँ पर देखने को मिल पा रहा होगा इस बुलेट ट्रेन की परियोजना का। और हम आप कोशिश करते हैं कि आपको नया अपडेट बुलेट ट्रेन की परियोजना का देते रहें, और आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें इसी प्रकार से प्यार बनाए रखें, आपको इसी प्रकार से हम नए अपडेट देते रहेंगे दोस्तों। तो डाबली विलेज की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको ट्रैक स्लैब का काम देखने को मिल पा रहा होगा, और जल्दी यहाँ पर तूफानी पटरियाँ का भी काम स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिस पर हमें बुलेट ट्रेन की पटरियाँ बिछती हुई दिखने को मिलने वाली है। वैसे तो इसका जो मटेरियल है पटरियों का, वो खास एक मटेरियल है जिसे कि जापान से लाया गया, और ये यहाँ पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि हम इसी प्रकार से आपको नए नए अपडेट लाके दिखाते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।